आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि खुलकर आप डॉक्टर से नहीं बात कर सकते हैं, तो वीडियो देखना ज़रूरी है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जब अगर आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम जो कि थंबनेल में लिखी हुई है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि रिलेशन बनाने के तुरंत बाद अगर जो मेल के सेल्स हैं वो सारे के सारे आउट हो जाते हैं और एक एक्सपोज़र जितना गर्भधारण के लिए ज़रूरी होता है उतना अगर आपको नहीं मिल पाता है, तो आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि हमारी रिपोर्ट तो बिल्कुल सही है, कोई परेशानी नहीं है, हम डाइट भी अच्छी लेते हैं, वज़न भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, तो हमारी प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है। तो एक जो पॉसिबल जो कारण नज़र आता है जो सामने, वो होता है कि सारे के सारे मेल के सेल्स अगर आउट हो जाएंगे तो इसके वजह से ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही होगी, शायद यही रीज़न होगा। लेकिन आप इसे प्रेगनेंसी ना ठहरने का बड़ा रीज़न नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये रीज़न हो ही नहीं सकती है। जितना समय जो मिल्क के सेल्स होते हैं उनको जो अंदर जाने के लिए, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब तक जब वो पहुंचते हैं तो कुछ सेकंड्स का वक्त लगता है, उतना सेकंड्स में वो पहुंच जाते हैं। जो बाकी बचे हुए जो आपको जो डिस्चार्ज बाहर दिख रहा है वो उसमें मिल्क के सेल्स प्रेजेंट होते ही नहीं है, तो जब वो प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो वो डिस्चार्ज हो जाएँ उससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जितने भी मेल के सेल्स हैं उनको सिर्फ कुछ सेकंड्स लगते हैं, वो जल्दी से जल्दी फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचकर एग को फर्टिलाइज़ कर देते हैं। क्योंकि अगर सही समय पर अगर महिला का गर्भधारण आपको, जैसे कि अगर वो चाहती हैं तो मेंस्ट्रुएशन के सही समय पर उनको रिलेशन प्लान करना चाहिए। वो सही समय होता है ओवुलेशन का, जिस समय महिला के शरीर से अंडा निकलता है या निकलने वाला होता है, उस टाइम पे अगर हस्बैंड और वाइफ साथ में रहते हैं तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस बनते हैं, चाहे उनका डिस्चार्ज आउट ही क्यों ना हो जा रहा हो। क्योंकि कुछ सेकंड्स, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कुछ सेकंड्स का वक्त लगता है, उससे ज़्यादा का वक्त नहीं लगता है। लेकिन अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो लेग अप द वॉल पोजिशन ज़रूर ट्राई करें। लेग अप द वॉल पोजिशन ट्राई करने से ऐसा नहीं है कि सारा का सारा आपका डिस्चार्ज आउट नहीं होगा, उस समय भी आउट होगा, क्योंकि एंटी ग्रेविटी, अगर आप अपने कमर के हिस्से को उठाते भी हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर वो रहती है तो वो आपकी कुछ हद तक ये प्रॉब्लम दूर होगी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि पैर को उठाना और जो पोजीशन आप अगर इमेजिन करके देख सकते हैं तो वहाँ पर आपको 110% श्योरिटी नहीं मिलती है कि आपके मेल के सेल्स आउट नहीं होंगे। और ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं बल्कि जितने भी कपल्स हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो क्या किसी और की प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है? जी हाँ, सबकी प्रेगनेंसीज कंसीव हो रही है। प्रेगनेंसी ना कंसीव होने के आपके अदर अदर रीज़न हो सकते हैं, लेकिन इसको आप एक बहुत बड़ा कारण ना माने। अगर आपको ये कारण फिर भी लगता है, अगर लगता है कि कुछ भी अगर मन में डाउट रहता है, तो एक चीज़ का इस्तेमाल करिए जिसे हम लोग मेंस्ट्रुएशन कप बोलते हैं। आप मेंस्ट्रुअल कप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको इजीली अवेलेबल मिलेंगे। 300 से 400 रुपये के अंदर आपको ये प्रोडक्ट मिलता है, जिस टाइम पे जो महिलाओं की जब पीरियड आती हैं उस टाइम पे ये इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो पीरियड का जो ब्लड है उस कप में कलेक्ट हो जाए और उसके बाद वो जब उसे डिस्कार्ड कर देती हैं फिर से इसका रीयूज़ आप कर सकते हैं। उसी तरह से आप इसका भी इस्तेमाल इस टाइम पे कर सकते हैं, जैसे ही आपका रिलेशन प्लान होता है, लेग अप द वॉल पोजीशन ट्राई करते वक्त। और लेग अप द वॉल पोजीशन आपको 5 मिनट ट्राई नहीं करना है, बल्कि 10 से 15 मिनट आपको लेग अप द वॉल पोजीशन ट्राई करना है, और उसके साथ ही साथ आपको मेंस्ट्रुअल कप का भी इस्तेमाल करना है, तो आप देखिएगा कि बहुत हद तक आपकी ये प्रॉब्लम दूर होती जाएगी और शायद हो सके तो एक बूंद भी बाहर नहीं जाएगा। तो आप इन सारे टेक्निक को इस्तेमाल करके देख सकते हैं। बाकी आप अदर चीज़ के ऊपर फोकस करिए जो कि आपके गर्भधारण नहीं हो पाने के लिए ज़िम्मेदार हो सकते हैं, जैसे कि आपके अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं बन रही होगी, या मेल के जो सेल्स हैं उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी, या आपके ट्यूब्स ब्लॉकेज होंगे, आपकी मेंस्ट्रुएशन सही नहीं जा रही होगी, आपके हार्मोन में गड़बड़ी होगी। तो बाकी चीज़ों को अगर आप ठीक करते हैं तो ये आफ्टर डेफिनेटली आपका कंसीव ज़रूर होगा, इसको आप एक प्रॉब्लम ना माने। अगर ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया, कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना रही, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आप अदर वीडियोस भी देखिए जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड केयर।